दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस सीडीएस में करेंसी का एनालिसिस करेंगे और करेंसी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्टर डेफिनेटो की विंडो पे जाना है और इस विंडो पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो करेंसी लगानी है आपको प्लस आइकन पे जाके आप JPY INR लगाएंगे। हमने यहाँ पे पहले ही लगा के रखा है तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो 6 अप्रैल की एक्सपायरी है यहाँ पे हमने जैपनीज करेंसी का चार्ट को लगा के रखा है। और हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस करके बताया था इसका जो चार्ट है इसको वन टाइम वन हावर का हमने यहाँ पे लिया था और यहाँ पे बताया था कि करेंसी में इंपॉर्टेंट जो लेवल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे JYP करेंसी ने निचले लेवल से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट बनाया हुआ है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ALM इंडिकेटर का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है करेंसी ने, अगर ये रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं कर पाता है और तो वापस करेंसी में हमें गिरावट आ सकती है। वापस यही जो लेवल है लो का, ये लो के लेवल को यहाँ पे करेंसी रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये लेवल करेंसी ब्रेक कर देता है तो करेंसी में हमें जो डाउनफॉल है ये 62.05 पैसे तक के देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर करेंसी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो करेंसी में अपसाइड के लेवल जो है हमें ये 62,065 के लेवल तक के हमें करेंसी में अपसाइड की ट्रेडिंग अपसाइड की जर्नी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन के माध्यम से हम देखें कि कहाँ पे इसमें हाईएस्ट ओपन चेन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है तो ऑप्शन चेन के वहाँ पे JYP INR करेंसी को क्या फ्यूचर को मैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सपोज मुझे लगता है कि करेंसी में डाउनफॉल आ सकता है तो मैं यहाँ पे फ्यूचर को सेल करूँगा और अगर मुझे लगता है कि करेंसी में अपसाइड की पोजिशन जा सकती है तो मैं इस कंडीशन में इसे बाय करूँगा। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्यूचर को सेल करना है तो यहाँ पे सेल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, वन डॉट मेंशन करूँगा, एक डॉट में आती है 62.4450 क्वांटिटीज आती है के प्राइस पे ये बिकेगा और यहाँ पे जो क्वांटिटीज मिलेंगी मुझे 1000 का लॉट रहेगा और जो मार्जिन लगने वाला है 2853 लगेगा। सेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑर्डर कंफर्म करना है और हमारा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो जाता है। एक बार ऑर्डर सबमिट होने के बाद हमारा जो पोटेंशियल रिटर्न है हमें यहाँ पे सेम विंडो पे ही ऊपर साइड में देखने को मिलता है। अगर हम अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। एनी टाइम अपने ऑर्डर को एग्जिट करना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी सेलिंग की पोजीशन को बेच सकते हैं, या अगर आपने अपनी पोजीशन बाइंग की बना के रखी है तो आप सेल ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी पोजीशन को हल्की कर सकते हैं। साइड बार का यूज़ करके आप टूल ऑप्शन लगा सकते हैं और अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही FX ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग इंडिकेटर, बॉलिंग इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर, ALM इंडिकेटर को ड्रॉ करके अपने चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना इजी, इतना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन में इंट्राडे को यूज़ करना। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। दी गई लिंक से अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वन ईयर का एंट्री चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलता है, साथ ही आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होता है। तो दोस्तों, देखना करें आज अपने डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करो, यहाँ की सन सर्विस इंट्राडे का लाभ दे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।